सो वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस आपने थंबनेल तो आज का देख लिया होगा। आज जो वैकेंसीज निकली है ऑल ओवर द इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स इसे अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम एजुकेशन 10th पास 12th पास वाले बच्चे जो है इसे अप्लाई कर पाएंगे। ऑफलाइन फॉर्म रहने वाला है। क्या है इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, क्या है इसकी एज क्राइटेरिया, कैसे अप्लाई करना है, कैसे किस तरह से सिलेक्शन होगा आपका, हर एक इन्फॉर्मेशन आज आपको मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से कवर करूंगा दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, ये क्लर्क और एमटीएस के पोस्ट रहने वाली है, बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस। दूसरे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड हेल्थ केयर के अंडर ये आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रन करती है। अब गाइस मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ दोस्तों। तो आप स्क्रीन पर दोस्तों आप देख रहे हो कि बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर BSIP रिकॉर्ड 09/2020 एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है। इसमें कुल मिला के जो निकली हैं वैकेंसीज वो निकली हैं कुल मिला के 16 वैकेंसीज, और जिसमें दो अलग अलग पद हैं। ठीक है, एक पद है LDC का और दूसरा पद है MTS का, यानी कि टू पोस्ट निकली हुई है। एक MTS निकली है और एक निकली है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसे हम बोलते हैं क्लर्क। ठीक है, अब गाइस थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे करता हूँ। अब मैं एजुकेशन बताता हूँ आपको LDC के लिए, अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के 7 वैकेंसी निकली है, जिसमें 3 जनरल कैटेगरी के लिए बांटी गई है। एक है EWS को, 2 है OBC को और एक है SC को। सैलरी की बात करूं दोस्तों, तो आपकी मिनिमम सैलरी जो रहने वाली है वो रहेगी 19,900 से 63,200 के बीच में, प्लस 1900 का ग्रेड पे है। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के आपको इन हैंड सैलरी की बात करूं, जो आपके हाथ पे जो सैलरी होगी कम से कम 26,000 के आसपास आपको मिल जाएगी सैलरी। एज की बात करूँ तो मिनिमम 18 साल के होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 साल। ठीक है, तो ये बात है जनरल की। और अगर मैं बात करूँ SC ST की, तो उनको उम्र में 5 साल की छूट मिल जाएगी। और अगर कोई OBC बच्चा इसे अप्लाई करना चाहता है LDC के पोस्ट के लिए, तो उसे 3 साल की छूट मिल जाएगी, यानी कि 18 से 25 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। तो 5 साल जोड़ लीजिए, ये हो गया SC ST के लिए, 3 साल जोड़ लीजिए, ये हो गया OBC के लिए। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें बता देता हूँ कि क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। अगर आप सिर्फ 12वीं पास हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक शर्त यह है कि आपको इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए, या फिर यद्यपि अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग नहीं कर पाते हो तो आपको हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए, या फिर अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में भी कर सकते हो, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग चाहिए। यानी कि इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उसे टाइप कर सकते हो। ठीक है, 10 मिनट का समय मिलेगा, 10 मिनट में आपको इंग्लिश में 350 अक्षर, या फिर अगर हिंदी में कर रहे हो तो हिंदी में 300 अक्षर ऑप्शन है, हिंदी में करो इंग्लिश में करो, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है, जहाँ पे आप कॉम्पिटेंसी हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो MTS के पोस्ट निकली दोस्तों, आपको जैसे कि पता हो कि SSC भी निकालती है MTS के पोस्ट, विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट पोस्ट निकालती है MTS के, तो इसमें भी निकली हुई है। कुल मिला के 8 वैकेंसी इसमें निकल रखी है, जिसमें 4 वैकेंसी जनरल को बांटी गई है, 2 EWS को और 2 ST को बांटी गई है। सैलरी भी सेम रहने वाला, बस 1000 से 1500 रुपये का फर्क रहेगा, यानी कि इन हैंड सैलरी आपकी कुछ 25,000 के आसपास आएगी। ठीक है, ओके, 25,000 के आसपास आपकी सैलरी आएगी। मैं एज की बात करूँ, एज की जो गाइस रहेगा आपको मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम रहेगी 25 साल के बीच में। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एज लिमिट का बता दिया कि मिनिमम 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 25 साल के आपकी एज होनी चाहिए। 5 साल की छूट SC ST को मिल जाती है इसमें, और 3 साल की छूट OBC को मिल जाती है। ठीक है, और इसकी अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ, तो एजुकेशन सिंपली आपकी 10th पास होनी चाहिए, या फिर ITI 10वीं, या फिर ITI कुछ भी आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम एजुकेशन 10th पास है, और अगर आपने ITI कर रखी है तब भी चलेगा, अगर आपने 10th कर रखी है तब भी चलेगा, कोई एक होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है आपको कंप्यूटर की, और कंप्यूटर ऑपरेशन की अगर नॉलेज है, अगर आप टाइपिंग कर लेते हो, बुक्स को बाइंड करना अगर आपको आता है, ड्राइविंग करने आती है, कुकिंग करने आती है, हाउसकीपिंग कर लेते हो, गार्डनिंग, इलेक्ट्रिकल या प्लम्बरिंग वर्क कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो MTS का काम होता है। ओके, अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे होगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात दोस्तों ये रहती है कि इस भर्ती में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, नो रिटन टेस्ट नहीं है इस भर्ती। सबसे अच्छी बात दोस्तों, सबसे अच्छी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के बेस पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा आपका। ओके, ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया से, किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़े हो, किसी भी सेंट्रल बोर्ड से पढ़े हो, किसी भी बोर्ड से पढ़े हो, किसी भी भारत के किसी भी राज्य से आते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए गाइस, इसकी फीस की बात करूं तो कितनी फीस रहेगी, देखो 250 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट लग जाएगा। ठीक है, 250 रुपये का है डिमांड ड्राफ्ट जो आपको लगाना पड़ेगा। ओके, 250 का डिमांड ड्राफ्ट है दोस्तों। ये फॉर्म ऑफलाइन रहने वाला है। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो रहेगी 23 अक्टूबर 2020, यानी कि लगभग 1.5 महीना पड़ा आपके पास फॉर्म को फिल करने के, भेजने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों 250 रुपये आपको रहेगा डिमांड ड्राफ्ट का, आपको किसके फेवर में बनाना है, आपको बनाना है टू द रजिस्ट्रार बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज
यूनिवर्सिटी रोड लखनऊ, ठीक है, आपको इसके ऊपर बनाना है। ओके, फिर से बता देता हूँ, डिमांड ड्राफ्ट 250 रुपये का लगेगा। फीस किसके लिए एलिजिबल है? फीस उनके लिए है जो बच्चे सिर्फ जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तभी आपको फीस देनी है। अगर आप एससी एसटी फीमेल हो, पीडब्ल्यूडी हो, एक्स सर्विस मैन हो, तो आपको फीस नहीं देनी, आप निगलिजिबल हो, ठीक है, आप बिल्कुल एग्जेम्प्टेड हो फीस देने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हो, इसका दोस्तों आप देख सकते हो इस पर क्या करना है आपको, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपको फिलअप करके, अच्छे तरीके से फिल करके आपको चिट्ठी में डालना है, बड़े वाले लिफाफे में इस एप्लीकेशन फॉर्म को लगा देना है। इसके साथ 10th आपको बता दो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है, इसके साथ 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट, या अगर आपने आईटीआई कर रखी है उसका सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है एजुकेशन के अलावा, आपके पास कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस है या फिर कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। साथ साथ आधार कार्ड, अगर आप एससी एसटी और ओबीसी हो तो आपका कम्युनिटी का सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट का सर्टिफिकेट, सेंटर का या स्टेट दोनों का होना चाहिए, अगर दोनों का नहीं तो एटलीस्ट एक तो होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी, हर एक की एक एक फोटोकॉपी आपको अटैच करनी है, और साथ ही साथ उस जितने भी आपके सिग्नेचर, आपके जितने भी फोटो आप फोटो कॉपी अटैच करो इस फॉर्म के साथ में, उसके नीचे आपको खुद के सेल्फ अटेस्ट साइन करने हैं, ठीक है, समझे दोस्तों। जैसे कि आपने इसके साथ आधार कार्ड लगाया तो आधार कार्ड के नीचे आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, यहाँ पे फोटो लगानी है जिसको आपको दोस्तों सेल्फ अटेस्ट करना है, पासपोर्ट साइज कलर फोटो होनी चाहिए इसको, जिसके ऊपर आपको साइन मारना है इस तरह से, ठीक है। अगर कोई चाहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे किस तरह से भरना है तो उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, अगर कोई दोस्तों इंटरेस्ट लेता है तो मैं बना दूंगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह का ये फॉर्म है दोस्तों, इस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है और आपको किस दिए हुए पते पे सेंड करना है दोस्तों। ये देखिए, ये पता दे रखा है यहाँ पे, मैं अगर आपको अच्छी तरीके से बताऊँ तो ये देखिए, टू द रजिस्ट्रार बीरबल सहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो साइंसेज, 53 यूनिवर्सिटी रोड लखनऊ, 22/6007 यूपी इंडिया। तो इस दिए हुए पते पे आपको चिट्ठी को भेज देना है, एक बड़े लिफाफे में इस चिट्ठी को लगा के साथ ही साथ जरूरी दस्तावेज को अटैच करके, उनकी सभी की फोटोकॉपी अटैच करके इस पते पे भेज देना दोस्तों। साथ ही साथ एक छोटा इन्वेल्प भी लगा दीजिएगा इसके साथ में, छोटा सा इन्वेल्प जिसके ऊपर आप मैक्सिमम 35 की टिकट लगा सकते हो, ठीक है, और लगा के आप फिर आपने क्या करना है, चिट्ठी भेज देनी है। चिट्ठी भेजने से पहले दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान जरूर देना है कि जो चिट्ठी होता है, जो बड़ा वाला लिफाफा होता है ना, ठीक है, तो उसके आपके यहाँ पे आपको इस तरह से पहले बना के यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हो उसका नाम, ठीक है, बस एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क 2020 या फिर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS 2020, इस तरह से लिखना है आपको बड़े लिफाफे के ऊपर। यहाँ पे उनका एड्रेस, इनका एड्रेस, और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख देना है, उसके बीच में आपको, इसके बीच में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म जुड़ी दस्तावेज डाल देने हैं, साथ ही साथ इसके साथ एक छोटा सा इनवेल भी अटैच कर देना, इसके ऊपर 3500 रुपये की टिकट लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वापस जब आपको चिट्ठी आएगी तो कैसे आएगी, टिकट तो होनी चाहिए ना उसके ऊपर, ठीक है। या फिर अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भरने में दिक्कत आती है तो मैं इसके लिए अलग से एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा, दैट हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और कुछ अगर आपको अपडेट चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें दोस्तों। बहुत ही अच्छी जॉब है, यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं रखा गया, नो रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम से एग्जेम्प्टेड हो आप, सैलरी बता दिया आपको, एजुकेशन मैंने बता दिया, एज लिमिट बता दिया, नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दी है, कौन कौन से कितनी वैकेंसी, हर एक चीज़ मैं आपको कवर कर चुका हूँ दोस्तों। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत ही तरीके वाला, बहुत ही बेस्ट डिपार्टमेंट है, यहाँ से ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आपको। एज लिमिट मैंने आपको बता दी है, फीस कितने रहने वाली, डिमांड ड्राफ्ट दोस्तों आपको जो बनाना है वो बनाना है, फिर से बता देता हूँ, इन फेवर ऑफ डायरेक्टरेट बीरबल सहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस, इतना बनाना है इन फेवर ऑफ में, और पेबल एट लखनऊ। ये जो डिमांड ड्राफ्ट है आप किसी भी नेशनलाइज बैंक से बना सकते हो, किसी भी नेशनलाइज बैंक से, स्टेट बैंक से नहीं, नेशनलाइज बैंक से, नेशनल बैंक जैसे हो गया SBI, PNB, इस तरह के स्टेट जो नेशनलाइज बैंक है, जो ठीक है राज्य बैंक है, इन पे आप जाके बना सकते हो। तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पेमेंट करना है, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है पेमेंट करने का, ठीक है, सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट ही एक्सेप्ट होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ जनरल और ओबीसी के लिए फीस देनी है, अगर आप SC ST PH हो या वुमन हो, वुमन किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती है उसे कोई फीस नहीं देना है। तो दोस्तों ये था वैकेंसीज, आई होप सो आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी कैसे इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, तो मैं सेपरेटली उसके लिए वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कौन कौन बच्चे इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब मत भूलना। जय हिंद एंड जय भारत गाइस।